रेनॉल्ड्स आगे बताता है कि जब वो आर्थर से फाइट करता है तो उसे एक अलग प्रेशर फील होता है और आर्थर ऐसे फाइट करता है जैसे उसके पास बहुत सालों का बैटल एक्सपीरियंस हो। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग हेस्टिया ऑक्शन हाउस के लिए निकल पड़ते हैं और जैसा सुना था हेस्टिया ऑक्शन हाउस उतना ही मैजेस्टिक है। 10th एनिवर्सरी एक ऐसा इवेंट है जिसका नोबल्स और एडवेंचरर्स काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस इवेंट में कई प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स का ऑक्शन होता है। सीटिंग कैपेसिटी देखकर इनके ऑक्शंस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेशल गेस्ट के लिए प्राइवेट रूम्स भी हैं और आर्थर हेस्टिया फैमिली के साथ वहीं से पूरा ऑक्शन विटनेस करेगा। धीरे धीरे ऑक्शन हाउस भरने लगा और एक सर्वेंट इन्फॉर्म करता है कि वीआईपी गेस्ट भी आ चुके हैं। वीआईपी गेस्ट ह्यूमन किंगडम के किंग ब्लेन, क्वीन प्रिसेला और उनके बच्चे प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन हैं। सभी लोग रॉयल्टी को ग्रीट करते हैं और विंसेंट उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। क्वीन की नज़र सिल्वी पर पड़ी और उसे वो मैना बीस्ट काफी क्यूट लगा। वो उसे ओबीडियंट बताती है जिस पर आर्थर कहता है कि उनका रिलेशन मास्टर और बीस्ट का नहीं बल्कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है। म्यूचुअल अग्रीमेंट की बात सुनकर किंग का पर्सनल मैजिशियन सेबास्टियन भड़क जाता है और सिल्वी को छूने की कोशिश करता है पर किंग के मना करने पर वो उनसे माफी मांगता है। पर आर्थर को मैजिशियन से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। सेबास्टियन वही मैजिशियन है जिसके अंडरलिंग्स आर्थर की फैमिली को ऑब्जर्व कर रहे थे। इवेंट एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। विंसेंट बताता है कि उसने आर्थर के बताए बाकी सभी आइटम्स का इंतजाम कर लिया है, केवल स्वॉर्ड ही बची है जो आगे मिल जाएगी क्योंकि ऑक्शन अभी बस शुरू ही हुआ है। तभी उसने देखा कि सिल्वी वहां से गायब है। वो उसे ढूंढने लगा पर तभी उसे सिल्वी की डरी सहमी हुई आवाज आई। वो देखता है कि सेबास्टियन सिल्वी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिससे वो बहुत डरी हुई है। आर्थर ये देख खुद को कंट्रोल करता है और सिल्वी को वहाँ से लेकर जाने लगता है पर सेबास्टियन कहता है कि इतना स्पेशल बीस्ट एक कॉमनर के पास नहीं होना चाहिए और वो उसे हासिल कर ही लेगा। ये सुन आर्थर बेकाबू हो जाता है और सेबास्टियन से उसके शब्दों को वापस दोहराने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किंग और विंसेंट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें आर्थर की ब्लड लस्ट फील होती है जो इतनी पावरफुल थी कि उनका दम घुटने लगा और सभी लोग पैनिक करने लगे। उन्हें लगा कि कोई बहुत पावरफुल मैजिशियन उन पर अटैक करने आया है। आर्थर को रियलाइज हुआ कि उसने इतना कंट्रोल खो दिया था तो वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। रेनॉल्ड्स गार्ड्स के साथ बिल्डिंग को सर्च करता है और एक मामूली सा इंट्रूडर पकड़ा जाता है। किंग को लगा कि अब सब ठीक है। इवेंट आगे बढ़ता है और ऑक्शन के लिए एक मैना बीस्ट वर्ल्ड लायन को प्रेजेंट किया जाता है। बताया जा रहा था कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है और इसमें आगे चलकर एक क्लास बीस्ट बनने का पोटेंशियल है। किंग सबसे ज्यादा बेट करके उस बीस्ट को अपने बेटे कर्टिस के लिए खरीद लेते हैं। ऑक्शन अब ओवर होने वाला है तभी सेबास्टियन उनके कान में कुछ विस्पर करता है और आर्थर को देख मुस्कुराता है। किंग बाकी सबके साथ बाहर आते हैं। माहौल शांत लग रहा था पर किसी को भी नहीं पता था कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। किंग कहता है कि सेबास्टियन कई सालों से उनके लिए काम कर रहा है और वो उसे उसकी सर्विस का रिवॉर्ड देना चाहते हैं। सेबास्टियन को आर्थर का मैना बीस्ट पसंद आ गया है और वो चाहते हैं कि बीस्ट उसे दे दिया जाए। रेनॉल्ड्स आर्थर का चेहरा देख समझ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि आर्थर के बीस्ट पर उसका और एलिस का कोई भी अधिकार नहीं है। किंग आर्थर को देखते हैं जो उनसे नजरें मिलाने से नहीं कतराता। वो उसे सिल्वी के बदले रॉयल स्वॉर्ड देने का ऑफर देते हैं पर आर्थर पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है। किंग एक और ऑफर देते हैं कि सिल्वी के बदले उसे कर्टिस का बीस्ट दे दिया जाएगा जो ऑक्शन में खरीदा गया है पर आर्थर उन्हें दोबारा मना कर देता है। किंग का पेशेंस खत्म हो रहा था और वो एक और बार आर्थर से सिल्वी को देने के लिए कहते हैं। आर्थर थक चुका था और फाइनली किंग से पूछता है कि वो अपने बच्चों को कितने में बेचना चाहेंगे। आर्थर कहता है कि शायद किंग नहीं जानता कि वो किस चीज की मांग कर रहा है तो उसका ये क्वेश्चन शायद उसकी ये समझने में मदद करेगा। ये सुन वहाँ पे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नाइट आर्थर पर अटैक करने आता है पर आर्थर उसे इजीली डॉज कर एक ही पंच से उसका काम तमाम कर देता है। सेबास्टियन उस पर अपनी मैजिक स्पेल से अटैक करता है पर तभी वहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है। अब जो भी होता उसे केवल सेबास्टियन और आर्थर ही देख और सुन पाते। सेबास्टियन अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि आर्थर अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर चुका है। इस स्टेट में वो सेबास्टियन जो कि रॉयल फैमिली का मैजिशियन है उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो एक अटैक करता है जो
इतना फास्ट था कि सेबेस्टियन को रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसका पैर टूट चुका था। सेबेस्टियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब वहाँ खड़े क्यों हैं और उसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। वो आर्थर से कहता है कि वो किंग के पर्सनल मैजिशियन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर आर्थर उसे उसकी औकात याद दिलाता है कि वो बस एक मामूली से किंग का पर्सनल मैजिशियन ही है। आर्थर की स्पेल ओवर हुई और वो ऐसा शो करता है जैसे गार्ड के अटैक की वजह से वो गिर गया हो, पर ड्रैगन विल को यूज करने की वजह से वो सच में बेहोश हो गया था। रॉयल मैजिशियन की हालत देख वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हुआ क्या, पर एक चीज जो हम समझ पाते हैं वो ये कि कैसे एक इंसान का लालच उसके साथ उससे जुड़े लोगों की जिंदगी भी दुखों से भर देता है। और हम तूफान के बाद हुई तबाही का नजारा देखते